हेलो एवरीवन, आई एम भुवन कुमार अग्रवाल। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब क्लास भुवन सर क्लासेस। आपने हमारे कल के सेशन में देखा था कि कल हमने एक नया टॉपिक अनलॉक किया वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट वॉइस, और आज हम आ चुके हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस। समय ज़्यादा बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए आप अपने पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको जो वाक्य बनाने हैं वो बनाने हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस में, मतलब वाक्य आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होना चाहिए। यदि वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो उसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस में बना सकते हैं। आप यहां लिख लीजिए पहचान लिख दें कि वाक्य आपका किस काल में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। यदि वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तभी वाक्य को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस में बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। चलिए अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला सबसे पहले किसके लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले पता है आपको क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस इसमें लग जाता है बी, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद निगेटिव का, निगेटिव में आपको पता है नॉट लग जाएगा सहायक क्रिया के बाद, सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट बीइंग प्लस मेक वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले आती है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, लास्ट में इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रो निगेटिव, इंट्रो निगेटिव जिसको बोल सकते हैं आप, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस न्यू सब्जेक्ट नॉट बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ये हमारे चार फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं। यदि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो रही है, सब कुछ व्यवस्थित दिख रहा है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आगे के लिए काम आपके आएगा, और या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अपनी कॉपी में डायरी में नोट कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है आपको। ये मान के चलिए कि ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये लाइफ टाइम रिचार्ज है। इसके लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स में जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। हम आप यहाँ पर लकी हैं कि आज मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा है, और इंटरनेट के माध्यम से आज की डेट में आप ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से घर बैठे पा रहे हैं। यदि आज इसकी आपने वैल्यू नहीं की, ये मान के चलिए आप बहुत पछताएंगे। ठीक, नोट करते चलिए, पढ़ते चलिए, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो पढ़ने वाला स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाला हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको और आगे। फॉर्मूले आपने चारों रूपों में देख लिए हैं। सबसे पहले फॉर्मूले को एक बार फिर से देख लीजिए। अभी आपने पढ़ा था कल के टॉपिक में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में वॉज या वर लगता है, लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसके साथ में बीइंग लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फॉर्मूले आपके सामने है, मैं यहां से दो फॉर्मूले इरेज कर देता हूं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल दे आ जाएंगे। अब आ जाइए सीधे एग्जाम्पल्स में। आप बना रहे हैं
पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाइज, मतलब वाक्य आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होना चाहिए। लिखा हुआ है आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, बजाय कि कठिन कठिन वाक्यों के लिए लेंगे, ऐसे वाक्य जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है उनको बिल्कुल मत लीजिए। एकदम इजी सेंटेंसेस को लीजिए, एकदम आसान सेंटेंसेस को लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था। ये किस टेंस का वाक्य? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इस वाक्य को बड़ी आसानी से हम किस में बना सकते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस में। वॉइस हमारा क्या कहना है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? पुराना वाला ऑब्जेक्ट। पुराना ऑब्जेक्ट क्या था? अ नॉवेल। ठीक है, नॉवेल हमने यहां लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाएंगे। तो आई या अ नॉवेल वॉज। फिर उसके बाद क्या आ गया? बी। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेड। स्पेलिंग वही रहती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड रेड रेड। फिर उसके बाद आ गया बाई। देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं? न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब पुराना वाला सब्जेक्ट। पुराना सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? मी। फुल स्टॉप। आसान है एकदम। ठीक है, एक और देख लीजिए, लिखा हुआ है वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। ऐसा कर देते हैं, वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक सेंटेंस कैसा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगी है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये इसकी पहचान होती है। अब वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला अगर मैं इरेज कर दिया यहां से, लेकिन आपने नोट किया है, आपको पता है सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर्ब। वॉज या वर्ब का पता कैसे चलेगा? वॉज लगाना है कि वर्ब लगाना है, ये पता चलेगा न्यू सब्जेक्ट से। तो न्यू सब्जेक्ट क्या होता है? पुराना वाला ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक खेल है, उसके साथ क्या लगेगा? वॉज। वॉज सी आर आई सी के टी टी क्रिकेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? बीन। आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला देख के चलिए। वॉज क्रिकेट बीन, फिर उसके बाद बीन और थर्ड फॉर्म प्लेड। अब उसके बाद मैंने बताया था कि यदि कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाते हैं जिनको एग्रीमेंट बोलते हैं, उनको हम कहां लिखेंगे? मेन वर्ड के बाद। इन द गार्डन, फिर उसके बाद आ जाएगा बाई। बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट मतलब पुराना वाला सब्जेक्ट। पुराना सब्जेक्ट था दे। दे को जब आप ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? देम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर निकल के आ गया? Was cricket being played in the garden by them? ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, ये मान के चलिए कि आसानी से इजी वे में इसको आप कर पाएंगे, लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसके लिए फिर कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, आपने हमारे वीडियो को देखा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। आपके एक शेयर से आपको पता है क्या होने वाला है, किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचेगा जिसको वाकई में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टुडे कीप सेफ, कीप स्टे।